check out, please. Thank you. Bye. आज बिल्कुल ब्लू स्काई दिखेगा आपको पूरे दिन, दो दिन से बादल बादल और ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी रात को, क्या बताऊँ, 102 डिग्री बुखार था बहुत, अभी भी थोड़ा वीकनेस चल रही है। तो परसों हुआ था मैं बारिश में गीला थोड़ा, और उससे फिर कल भी बहुत वीकनेस थी, लेकिन कल हाइकिंग बहुत सारी कर ली थी लेक पे, और जब वापस आया जब तक तो ऐसी हालत हो गई थी कि बस क्या बताऊँ। दवाई खाई, ये सोया, 9 बजे उठा सुबह सीधा, हाथ पैर दुख रहे हैं, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है वैसे तो, लेकिन जैकेट वैकेट पहन रहा हूँ, ठंड लग रही है क्योंकि। और कुछ 4 दिन बाद इस जगह को बाय बोलने का टाइम है अब, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस कवर करने हैं अभी, तो 4 दिन तो मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडिया आके कि ये जगह में क्या क्या है टोटल, लेकिन अभी अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे फर्स्ट तो कुनिक्सी पे बोट राइड, बट अगर बोट राइड करो तो मेक श्योर यहाँ पे वीडियो भी डालता हूँ कि जब मैंने बोट राइड किया था कैसा फील हुआ था। तो बोट राइड करो तो मेक श्योर टू गो टू द ओबर सी ऑल्सो एंड टू द वाटरफॉल ऑल्सो, थोड़ा वॉक करना पड़ता है। और सेकंड मेरी फेवरेट चीज़ है यहाँ पे वो चर्च सेंट सेबेस्टियन, और वो अगर करो तो मेक श्योर यू गो टू हिंटरसी एज वेल, थोड़ा सा ही आगे उसे, मैं अंधेरा हो गया था इसलिए नहीं गया था। थर्ड मेरी फेवरेट जगह है यहाँ पे वो गॉर्ज, नाम तो कुछ अजीब सा था, लिखता हूँ मैं जो मैं गया था उसका वीडियो भी लगाता हूँ। एक्चुअली 2 गॉर्ज है जो गूगल मैप ने बताया, मैं एक में गया, देयर इज़ 1 मोर गॉर्ज, वो भी सेम इक्वली ब्यूटीफुल होगा, तो यू कैन सब 10 किलोमीटर की रेंज में, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग हियर। तो शेल्सबर्ग कभी मत रुकना, क्योंकि शेल्सबर्ग में देयर इज नथिंग टू सी अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड टाउन। स्टे हियर, डू अ डे ट्रिप टू शेल्सबर्ग, 20-25 मिनट की यहाँ से ट्रेन बस राइड है, और अगर यहाँ रुकते हो तो यू गेट अ सिटी पास एज वेल, सिटी पास में अनलिमिटेड आप ट्रैवल कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बस में यहाँ पे, तो बहुत कन्वीनियंट है, छोटा सा टाउन होने का ये फ़ायदा है कि फटाफट पहुँच जाते हो कहीं पे भी। एक ईगल नेस्ट करके भी था, मैं गया था लेकिन बारिश हो रही थी, लेट हो गया था, उधर भी करना हो तो काफ़ी अच्छा बताते हैं व्यू वहाँ से, काफ़ी ऊपर है, हिटलर की हिस्ट्री है। तो अगर सोच रहे हो आप ऑस्ट्रिया आने का, जर्मनी आने का, या इवन स्विट्ज़रलैंड इटली आने का, तो ये 3-4 दिन का बेस बना लो इस वाले टाउन को, बहुत सही रहेगा। रेट्स भी काफ़ी सही है, इस हॉस्टल की रेट 28 यूरो थी, 50 यूरो में होटल रूम भी मिल जाते हैं, शैले भी मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे 100 यूरो में, और छोटा टाउन है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल। ऊपर से धूप लग रही है तो अच्छा लग रहा है, बहुत सनी है लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, मुझे गर्म गर्म फील करना ज़रूरी है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में एंटर कर रहा हूँ, जर्मनी में, जर्मनी को मिलेंगे हम कितने दिन बाद, 15 दिन बाद लेस से, अब ऑस्ट्रिया का टाइम है, ऑस्ट्रिया का बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ जा रहा हूँ। और फर्स्ट स्टॉप मेरा रहेगा इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि खाने का हिसाब किताब बिगड़ गया मेरा यहाँ के, थेपले खा लिए, पोहे बना लिए, लेकिन मज़ा नहीं आया वो पैक्ड फूड का, तो मैं फ्रेश खाना खाऊंगा, एक इंडियन रेस्टोरेंट बता रहे हैं यहाँ से 40 मिनट दूर, तो इस टाउन को बाय बोलते हैं और इंडियन खाना खाएंगे आज, और क्योंकि उसके बाद दवाई भी लेनी पड़ेगी, थोड़ी हालत ख़राब है आज भी, और अगर हुआ तो शाम को किसी कैंप साइट रुकेंगे ऑस्ट्रिया में, सर्च करना पड़ेगा क्या है, वॉल्फगन सी के आसपास काफ़ी सारे कैंप्स ग्राउंड बता रहा है, तो एक बार लंच करते हैं फिर आगे का डिसाइड करेंगे। हार्डली 10 मिनट चलाऊंगा और ऑस्ट्रियन बॉर्डर आ गया है, मैप में भी दिख रहा है ये, दिस इज बॉर्डर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, एंड छोटी सी चेकिंग है यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं रोकेगा शायद, एंड नाउ आई एम इन ऑस्ट्रिया। ऐसे ही बॉर्डर्स होने चाहिए हर कंट्री के यार, कहीं भी चले जाओ एक ही वीज़ा में, वैसे लगता है यूरोप में ये बात। ये है वो इंडियन रेस्टोरेंट जिसकी कुछ 4.7 रेटिंग थी, अभी खाते हैं यहाँ पे क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से जल्दी बंद होने वाला है। मैं जर्मनी में था और वहाँ से वो गूगल मैप में डाला इंडियन रेस्टोरेंट का, तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग आपकी थी, सो आई थॉट लेस। यू वर इन म्यूनिख आई थिंक। नो, आई वाज इन कुनिक्सी। इट्स जस्ट 4 मंथ्स फ्रॉम हियर। इट्स ओनली हाफ एन आवर फ्रॉम हियर। गया है खाना, इंडियन खाना फॉर टाइम बार, पनीर पराठा एंड देसी चाय, राइस, चपाती।
क्योंकि बॉम्बे में रहने के बाद आदत नहीं है ना विंटर्स की. आई नो बॉम्बे में लाइक लोकल ट्रेन्स इन ऑल में राइट इवन द सन आउट हियर डायरेक्टली सन रेज अप. ओके सागर नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. कभी मिलना हो तो जरूर मिलेंगे. एंजॉय योर ट्रिप. थैंक यू. बाय. इंडियन फूड खा के आधी तबीयत तो वैसे ही सही होगी और इंडियन से मिल के हिंदी में बात करके और सही हो गई. क्या से इधर से जा सकता है अगर शेल्स वर्क यहाँ से 10 मिनट ही है. मैं पूछा था तो अगर वहाँ आ रहे हो तो ये इंडियन फूड के और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स होंगे बट दिस इज़ गुड. लेखी इंडियन रेस्टोरेंट करके नाम है. मैं लिंक और उसका नाम नीचे लिखता हूँ. और मस्त मजे आ गए खाना खा के. दवाई भी ले ली और अब थोड़ा सा आगे का प्लान करते हैं. और ये पूरा खाना पनीर की सब्जी दो एक पराठा एक चपाती राइस चाय विद पार्ले जी बिस्किट ही कितने का आएगा. कितने का आया होगा सोच सकते हो. इट वॉज़ ओनली 21 यूरोस. सोच भी सकते हो कि इतना सस्ता इतना अच्छा खाना. सही बोल रहा हूँ. मेरी तो तबीयत सही हो गई पूरी. गर्मी आ गई बॉडी में खा के अच्छा लग रहा है. तो मोडसी के पास में सेंट गिलगन नाम की जगह है वो वहाँ जा रहा हूँ मैं. अब अगला कुछ 40 मिनट से इधर शेजबाग यहाँ से 10 मिनट के लिए अंदर जाके मतलब नहीं. पहले घुमा हुआ है और अभी इतना वॉक करने का मन नहीं कर रहा टू बी ट्रू. और जो देखी हुई चीज़ है वो देखने का भी मन नहीं है. सो आई एम गोइंग टू फर्दर टू दो लेक आते हैं तीन लेक आते हैं फुशलसी मोडसी और वॉलगनसी. तो वहाँ कहीं पे जाके देखते हैं क्या क्या है. पेट्रोल पंप पे रुका हूँ. मैं सोचा कि स्टिकर ले ही लेता हूँ क्योंकि रास्ते में भी चेकिंग हो रही थी. अगर स्टिकर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी. देखते हैं कितने का मिलता है. yes. ऐसा कुछ स्टिकर आता है लेना जरूरी है ऑस्ट्रिया के हाईवे पे. सबके अपने अपने रूल होते हैं. जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है. सब उनके हाईवे सा फ्री. स्विट्ज़रलैंड का और महंगा है. 50 यूरो का है कितने दिन का है पता नहीं. मुझे ये पता था कि ये 30 डेज का होता होगा लेकिन बोल रहे हैं 10 डेज का ही है. 9.6 यूरो का पड़ा. ऐसा कुछ आता है. मेरे ख्याल से इसमें बार कोड होता है. हाईवे पे नहीं लगा हुआ तो स्कैन होके फिर फाइन लग जाएगा. ऐसा कुछ सिस्टम है. यहाँ पेट्रोल के रेट पता अगर हो तो 1.88 यूरो. तो डीजल है 1.83 या 1.69 पेट्रोल है. तो जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ जर्मनी से थोड़ा सस्ता हो रहा है. स्लोवेनिया में शायद और सस्ता मिलेगा देखते हैं. ये वाली लेन किसी को याद आ रही क्या पुराने 2019 टूर से. वो फुशल सी है सामने और ये जगह थी जो हम रुके थे उस टाइम 4 नाइट्स के लिए. ये थी वो. अभी तो अवेलेबल नहीं है. मैंने ऑनलाइन देखा था फिर भी एक बार मुझे लगा पूछ लेते हैं अवेलेबिलिटी है क्या. यहाँ से क्रॉस कर रहा था फुशल सी से तो मुझे लगा एक बार देख लेता हूँ लास्ट टाइम जहाँ रुके थे 2019 में वो जगह. और ये लेक भी यहाँ से बहुत पास है जहाँ रुके थे. वहाँ पे हम गए थे लास्ट टाइम ड्रोन उड़ाया था एक शाम को. शाम वहीं बिताई थी तो अच्छी मेमोरीज है. वहाँ जगह तो थी नहीं वहाँ पे अवेलेबल वरना यहीं रुक जाता. अब आगे आज यहाँ पे आगे बहुत सारे कैंप साइट्स हैं तो मुझे लग रहा है वहीं कहीं रुकता हूँ आज कैंप साइट पर. और यही है वो केबल कार जो हमने लास्ट टाइम करी थी. यहाँ से ऊपर तक गए थे. ऑस्ट्रिया का ये बढ़िया कि सब केबल कार और सब काफ़ी सस्ती है स्विट्ज़रलैंड से. 1/3 कॉस्ट है तो केबल कार भी यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है. इस पहाड़ उस पहाड़ काफ़ी जगह जा सकते हैं. ये तो टोटली बुकड आउट है आज के लिए कल के लिए पूरे वीकेंड के लिए. एक दो और कैंपिंग ग्राउंड यहाँ वो ट्राई करते हैं. ये तो बंद ही है मेरे ख्याल से. ये भी अवेलेबल नहीं है. नो फ्री प्लेस करके लिखा है. चेकआउट टाइम 11 बजे लिखा है. कैंप ग्राउंड है तो बहुत मस्त सारे ये लेक लेक के ठीक बाजू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे लेकिन बुकड है संडे तक सारे. दो पता कि एक तीसरा भी पता करता हूँ. कम ही चांस लग रहे हैं मुझे. इनके समर्स ख़त्म क्या हो रहे हैं ये तो सब बाहर ही निकल के घूम रहे हैं यार ये लोग. इनको भी घर पे बैठने में जोर आता है. आज तो क्या है थर्सडे है शायद. आज से ही बुक है. देखो बच्चे भी खेले जा रहे पागलों की तरह रेत में. और कैंप नंबर 3 में भी वही हाल होता है.
फुली बुक्ड। कैंपिंग ग्राउंड है खूब सारे यार, लेकिन सब बुक है यार वीकेंड पे। और इतना बड़ा कैंपिंग ग्राउंड है लेकिन यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। और वही सजेस्ट कर रही कि इनका पार्किंग लॉट है यहाँ पे, वहाँ सो जाओ कार में, और कल सुबह खाली होता है तो शिफ्ट हो जाना कैंपिंग ग्राउंड में। बहुत बड़ा कैंपिंग ग्राउंड है यहाँ से लेके सी तक, इतने सारे कैंप्स है। लेकिन पता नहीं क्या लॉन्ग वीकेंड है क्या इनका, क्या है इनके भी वो गणेश चतुर्थी की छुट्टी है यहाँ पर, समझ में नहीं आया। जाना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, बट एक जगह तो मिली जहाँ पार्क करके सो सकते हैं। ठीक है तो रात का जुगाड़ देखते हैं और थोड़ा बहुत, नहीं तो ये जो पार्किंग यहाँ सोएंगे ये कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और घूमते हैं, वॉल्फगंज सी एक दो टाउन है इसमें मस्त मस्त है, तो जिससे पहले कि अंधेरा हो। इस एरिया में अंधेरा होते बहुत ठंड हो जाती है, इतने सारे लेक्स है, माउंटेंस में बर्फ है, इसलिए। तो सेंट गिलगन नाम का एक टाउन है पास में ही है, वो घूमते हैं थोड़ा सा, फोटोस में बहुत प्यारा लगता है, असली में देखते हैं कैसा है। और अगर कुछ नहीं मिला तो यहाँ कार खड़ी करके सो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शायद लिखा है कि कैंपिंग एंड दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, अगर यहाँ सोए तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी लोकेशन मस्त थी, दिस इज वॉल्फगंज सी। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, फ्री पार्किंग दिखी तो। सेंट गिलगन करके है ये टाउन, उधर सामने चर्च दिख रहा है मेरे ख्याल से वही होगा। ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्ला नाम के काफ़ी सारे स्टोर्स फेमस हैं, ग्रॉसरी स्टोर थे अच्छे बड़े बड़े रहते हैं इसके, बिल्ला के हर कंट्री के खुद के रहते हैं काफ़ी सारे, स्विट्ज़रलैंड में उनके खुद के थे, यहाँ ऑस्ट्रिया में बिल्ला के मिलेंगे, जर्मनी में कोई और मिलेगा। क्या मस्त मस्त से टाउन बने हुए हैं, ये इनका टाउन सेंट्रल है गिलगन का, सेंट गिलगन का, और छोटा सा टाउन है वॉल्फगंज सी, फेमस है काफ़ी यहाँ की, सबसे बड़ा लेक है इस एरिया का। और ये टाउन उसके जस्ट बाजू में है, इसका एक जो मेन सेंट्रल पॉइंट है उस तरफ जा रहा हूँ मैं। ये है वो टाउन सेंट्रल, मज़ेदार। स्कूल के बच्चे भी खड़े हैं सामने, बैंक है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत डॉलर्स चेंज कराएं यूरो में, अब तक तो कार्ड से काम चल रहा था, खुला है क्या ये बैंक? तो क्लोज है, सिर्फ ATM चालू है इसका, तो कल देखते हैं कैश का। तो बट ये एक एक हाउस देखो तो सही, एक ये फिर ये, टू गुड, इतने ब्यूटीफुल हाउसेस तो नहीं देखे यार, एक ही जगह पे सब, हर हाउस बहुत अच्छा डेकोरेट किया है इन्होंने। छोटा सा है, कुछ 200-300 मीटर लंबा है ये स्क्वायर, यहीं पर सब कुछ है। अब शाम पड़ती ठंड लगने लग गई है, मौसम बदल गया है, तो चलते हैं अपनी कार की तरफ और ठिकाना ढूंढते हैं कुछ रुकने का रात भर के लिए। ये यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर है, अच्छा बना हुआ है, जब भी यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये दिखता है, लास्ट टाइम भी दिखा था, नज़र जाती है इस पर। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टूरिस्ट। और सामने स्पार्क करके सुपर मार्केट दिख रहा है मुझे, पार्क शायद नीदरलैंड्स में भी थे, और एक राउंड करते हैं अगर खुला हुआ हो तो कैसा है क्या मिल रहा है। बंद होने ही वाला था स्टोर, आके यहाँ से बस केले ही लिए मैंने तो अभी, और तो कुछ नहीं। ये शायद भाग के दारू लेने जा रहा है, बंद होने वाला है स्टोर, तो कार के पास तक पहुँचते हैं कैसे भी। अंधेरा होने वाला है, सोने की तैयारी करते हैं। यहाँ बस प्रॉब्लम यही है कि कार्स बहुत आती जाती इधर से, ये मेन हाईवे है शेल्सबर्ग का और वॉल्फगंज सी का, तो अगर ज़्यादा आवाज़ आई तो फिर वो कैंप साइड वाली जगह चलते हैं, वरना ये यहाँ पे सोने का ठीक है। तो यहाँ सोते हैं इस व्यू के साथ में, और कल का प्लान है यहाँ से आधे घंटे दूर हॉलस्टेड और उसके आगे जाने का गोजाउ, तो वो भी यहाँ से पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। बस एक यही कि रात को यार ठंड कितनी होती है पता नहीं, तो स्लीपिंग बैग निकालते हैं फिर देखते हैं।